आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। जम्मू कश्मीर में पुलिस को बड़ी सफलता, लश्कर के खूंखार आतंकी सलीम पर्रे को किया ढेर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, उनकी पत्नी, बेटी और बहू हुए कोरोना संक्रमित। राकेश टिकैत ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च का किया ऐलान, बोले किसानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली में कोरोना के 80% से ज्यादा केस ओमिक्रॉन वेरिएंट के, केजरीवाल सरकार का बड़ा दावा। कल मुरादाबाद में रैली को संबोधित करने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए चक्का जाम से पूरा बॉर्डर इलाके में फरीदाबाद तक उसका असर जो है देखने को मिल रहा है, जहां फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और घंटों तक यही स्थिति बनी रही। जाम की विकराल स्थिति को देख ट्रैफिक को बाईपास से नोएडा की तरफ डायवर्ट किया गया, जिससे लोगों को और ट्रैफिक पुलिस को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर के पुल के ऊपर और नीचे की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी ट्रैफिक जाम आज लगा रहा। जाम की स्थिति ये थी, जहां तो बीजेपी के कुछ मंत्री लोग वगैरह वहां रोड पर बैठ गए थे धरने के लिए, तो ये इसलिए जाम लग गया। फिर हमने इसको यहाँ से रोक दिया, अब NSP चौक पर रोक के डाइवर्ट कर दिया रोड को पानी कुछ तरफ, अब जाके जाम खुला है, 1-1.5-2 घंटे जाम लगा। अगली खबर बांदा से है, जहां पर जन अधिकार पार्टी के बैनर तले दर्जनों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून, नई शिक्षा नीति और श्रम नीति की खामियों के बारे में बताया। आगे उन्होंने ज्ञापन में किसानों के खाद, बीज और कीटनाशक दवा उचित मूल्य पर उपलब्ध कराए जाने की बात भी लिखी। हम लोग ये जून से ज्ञापन दे रहे हैं, सरकार की जो नीतियाँ हैं, किसान विरोधी नीतियाँ हैं, और आए दिन जो है छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, सरकार उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अन्ना पड़ता है, किसान परेशान है, खाद की समस्या है, बिजली पानी की समस्या है, किसानों को नहीं मिल रहा। इस उपलक्ष्य में हम लोग जो है लगातार जो है ज्ञापन 1 जून से दे रहे हैं। कितनी बार दे रहे हैं? ये हमारा जो है 81वां ज्ञापन है जो हम आज दे रहे हैं महामहिम राज्यपाल और जो है राष्ट्रपति को। क्या लगता है आपको, क्यों नहीं आप मांगे? अब ये तो हमारा काम है ज्ञापन देना जो है, अब सरकार से मांग कर रहे हैं, अब बहुत दिन नहीं बचे हैं, दो महीना बचे हैं। वहीं बांदा में कोविड की तीसरी लहर की तैयारी का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम जिला अस्पताल पहुंची, जहां पर अपर जिलाधिकारी व CMS जिला अस्पताल में पहुंचे हुए थे, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया गया। इसी के साथ ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर सहित तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया गया। आपको बता दें कि जनपद में 2 दिवसीय दौरे पर यह स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंची हुई है, वहीं टीम द्वारा शासन को रिपोर्ट भी सौंपी जानी है। बेसिकली हम हैं आप DM साहब जी हैं और CMS साहब हैं, हम लोग बेसिकली जैसे कोरोना की जो तीसरी लहर संभावित है उसकी तैयारियों की समीक्षा के लिए हम लोग आए हैं शासन से, और आज हमने सारा जगह देखा है कि इनके वेंटिलेटर की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन प्लांट की क्या पोजीशन है, इनके पास जो बेड्स हैं उसकी क्या अवेलेबिलिटी है, सारा सिस्टम इनका चल रहा है, फंक्शन कर रहा है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए हम लोग आए हैं, ताकि अगर जो कमियां होंगी, अगर जो उनके पास स्टाफ नहीं है, स्टाफ जिनको हो, स्टाफ भी जितना इनको नियमानुसार अनुमन होगा वो मिलेगा और मिल सकता है, वही सब की तैयारियों के लिए ही हम लोग आए हैं। 2 दिन का विजिट है, उसके बाद जो कमियां होंगी उसका निराकरण कराया जाए, ताकि हम उससे आगे संभावित जो हमारा कोरोना का वो है उससे।
वहीं संभल में सरकार हर गांव को स्मार्ट सिटी बनाने में लगी हुई है। हर गांव में लाखों रुपए से सामुदायिक शौचालय व पंचायत भवन बनाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ गांव के प्रधान विकास कार्य के निर्माण में घटिया सामग्री लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि जनपद संभल के विकास खंड असमौली के ग्राम पंचायत निम्बोला में प्रधान पंचायत भवन में घटिया सामग्री लगाकर पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं इसी बात की जानकारी ग्राम विकास अधिकारी महेंद्र सिंह से ली गई तो महेंद्र सिंह का कहना है कि मैं प्रधान से बात करके इस चीज का पता लगाऊंगा कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी दोनों की मिली भगत से ये काम चल रहा है। वहीं देवरिया में पुलिस दबंगों के सामने इस वक्त नतमस्तक होती दिखाई दे रही है। दरअसल जनपद के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के सिरजम में 1 जनवरी को कुछ दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से मारपीट की, लेकिन पुलिस दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। पुलिस लगातार दबंगों को बचाने का प्रयास करती दिखाई दे रही है। वहीं पुलिस की कार्यवाही से परेशान होकर पीड़ित न्याय लगाने के लिए SP कार्यालय पहुंचा। पापा को गोली खा रहे थे, तो उस समय मेरा भाई बोला कि आपको भी चाहिए, तो हम बोले ठीक है पापा दिला दे रहे हैं, तो बोले पापा से कि पापा दिला दीजिए। 3 लोग थे वो, और एक बोला कि अरे बोतल में बोलो तो मरबो करो, अब तो हम बोले कि क्या किए हैं भाई, तो एक बोला है पापा सामने कि बोतल में तुम बोलो मत रणदीप लड़के, हाँ पापा उसको मतलब कुछ बोले नहीं, बोले क्यों गाली दे रहे किससे मारे हैं, शुरुआत में पहले वो हमारे पापा को बना छोड़ दिया है, और उसके बाद 3 लोग बोला कि पापा को मतलब खेल रहे, उसके बाद हमने छुड़ाने पलटी से मार दिया पूरा कट गया है, और वो हमसे 15-16 क्या नाम है जो मारा है, मारा उसका कुलदीप यादव और विकास यादव और उसका नाम है इरफान अली। अगली खबर देवरिया से है, जहां पर महुआडीह थाना क्षेत्र में NH 28 पर आने जाने में दिक्कतों को लेकर युवा समाजसेवी और जनता समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत विश्वकर्मा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया, जबकि इस मार्ग पर आए दिन हादसे होते रहते हैं और कहा जाता है कि लोगों की जाने भी जा चुकी है, जिसको लेकर गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को भी सौंपा। वहीं वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने और आम जनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन पर साइबर क्राइम सेल जनपद फतेहपुर की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, और इसी कड़ी में टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां साइबर अपराध के शिकार पीड़ितों के कुल 2,93,997 रुपए अथक परिश्रम के साथ उनके खातों में वापस कराए गए। वहीं जनमानस से अपील की गई कि गूगल पर किसी भी कंपनी या बैंक का कस्टमर केयर नंबर ढूंढने में बेहतर सावधानी बरते और प्राप्त नंबरों पर पूरी तरह से विश्वास ना करें। जनपद फतेहपुर की साइबर सेल के माध्यम से आज त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 पीड़ितों को 2,93,997 रुपए वापस कराए गए हैं और बड़ी राहत मिली है ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को हम चिन्हित करके इनके विरुद्ध हम कार्रवाई करने की भी योजना बना रहे हैं, ताकि इनके विरुद्ध हम कार्रवाई कर सकें। ये हमारी जनपद साइबर सेल की एक बड़ी उपलब्धि है। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां पर 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। इस दौरान वैक्सीन लगवाने के लिए बच्चे अपने परिजनों के साथ अस्पताल पहुंचे। हदगाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सरस्वती बाल इंटर कॉलेज खागा में वैक्सीन लगवाने के लिए बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी, जबकि हॉस्पिटल के अलावा इंटर कॉलेज में भी वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया। वहीं रायबरेली में केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू हो चुका है। वैक्सीन अभियान को लेकर किशोरों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर वैक्सीनेशन सेंटर में बच्चों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। प्राइम टीवी संवाददाता ने वैक्सीन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा चुके किशोरों से उनकी राय भी ली।
आज से कोरोना वैक्सीन जो है किशोरों के लिए लगाई जाने का आदेश हुआ है और रायबरेली के जिला अस्पताल में 15 से 18 साल तक के किशोरों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो चुका है। हमारे साथ ये किशोर है जो जिन्होंने अभी अभी वैक्सीन लगवाई है, आइए जानते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा? हर्ष श्रीवास्तव नाम है मेरा। हर्ष, अभी आपने वैक्सीन लगवाई है तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नॉर्मल। नॉर्मल, तो क्या संदेश देना चाहते हैं और लोगों के लिए, अपने साथ वाले साथियों के लिए? कि सभी लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं और मतलब मास्क वास्क लगाएं, COVID-19 के सारे नियमों का पालन करें। तो वैक्सीन लगाने के बाद आपको किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई परेशानी? अभी तो लगी है, अभी इतनी जल्दी कहाँ कुछ पता चलेगा। अभी लगी है लेकिन ये बहुत ही जो है कहना है कि सभी लोगों को ये वैक्सीन लगानी चाहिए। हमारे साथ एक और युवा साथी हैं जिन्होंने अभी अभी वैक्सीन लगवाई है। क्या नाम है आपका? हरिओम वाजपेयी। हरिओम जी, अभी आपने वैक्सीन लगवाई है तो कैसा महसूस कर रहे हैं? सिक्योर्ड फ्रॉम कोरोना। क्या संदेश देना चाहते हैं और साथियों के लिए? मेरा मैसेज यही रहेगा कि अब हम जो एज थी 15 to 18 की, अब इसकी भी वैक्सीन आ गई है, सो अब हम और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ही वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो आप अकेले आए हैं कि और साथी हैं आपके कोई? नहीं, मैं अकेला हूँ। ये अकेले आए हैं और आपको बता दें ये निश्चित एक बहुत बड़ी सफलता है कि ये बच्चे जो है आ रहे हैं और जो है वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना की तीसरी लहर के रूप में आ रहे ओमिक्रॉन से भी बचाव के लिए किशोरों को लगाई जा रही वैक्सीन का काम रायबरेली ज़िले में चालू हो चुका है और बड़ी संख्या में यहाँ पर 15 से 18 साल के जो किशोर हैं वो आ रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। आपको एक चीज़ और बता दें कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 15 से 18 साल के बीच में जो किशोर हैं वो इनके लिए अलग से एक वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये वैक्सीनेशन का काम चालू हो चुका है और ये सभी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ाई में ये बहुत ही बड़ा कदम है सरकार के द्वारा कि 15 से 18 साल के बीच में ये वैक्सीन लगा के किशोर जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो रहे हैं। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम टीवी, रायबरेली। वहीं कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर सरकार सतर्कता बरत रही है, जिसको देखते हुए आज से 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन के डोज लगवाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बच्चों ने बताया है कि स्वास्थ्य भारत की तरफ से एक अच्छी पहल देखी जा रही है। बिना वैक्सीन के हम पेपर भी नहीं दे सकते, अब हम वैक्सीन लगवा चुके हैं तो अब हम पेपर आसानी से दे सकते हैं। वैक्सीन लगाने पर बच्चों का एक्सपीरियंस भी काफी नॉर्मल दिखाई दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि उन्हें वैक्सीन लगवाने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगनी अच्छी बात है, क्योंकि पेपर देना हम चाहते पेपर हो ताकि बच्चों को वैक्सीन लगवाई जाए और ताकि हमारे अच्छे से पेपर हो और हम लोग को मतलब रिजल्ट आए, ताकि हमारे अच्छे से अच्छे एडमिशन हो सके कॉलेज में। ये सब करना चाहिए। आज 15 से 18 के बच्चों की लगाई जा रही है और मैं 18 की मतलब अभी चल रही हूँ 18 में। अभी डर नहीं लगा स्टार्टिंग में, मैं मतलब प्रॉब्लम की तरह आपकी जो कि वैक्सीन नहीं लगवाई थी, बट ये भी जरूरी है हमारी पढ़ाई के लिए ताकि हमारी पढ़ाई आगे की जारी रहे। मतलब हम अपने बच्चों को वैक्सीन लगाए क्योंकि आगे पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है, आगे के लिए वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है, हमारे सेहत के लिए भी ज़रूरी है ताकि हमें कोई हम किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो। वहीं अलीगढ़ में गंगा और यमुना तहजीब की तर्ज पर महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये आयोजन हर साल आयोजित किया जाता है, जिसमें देश के बॉलीवुड कलाकारों की ओर से विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, जिनका लुत्फ उठाने के लिए शहर के लोग पहुंचते हैं उस कार्यक्रम को देखने के लिए। आपको बता दें कि महोत्सव के कोहिनूर मंच जो है वो लगाया जाता है, जहाँ पर लोग काफी कह सकते हैं कि महोत्सव को एंजॉय करते हैं। अंदर बैठे हम पास लेके आए हैं। पास है आपके पास? जी पास है, ये देख सकते हैं आप, पास है ये। अच्छा, कुछ नहीं दिया आपको? कुछ नहीं दिया, धक्के मारे फेंक दिए एक, एक एक पास तो हमने भाड़ के फेंक दिया, हमारा दोस्त चला गया उसके पैर में लग गई धक्का, वो की में ये नमाज लगाई है, अधिकारियों के लिए लगाई है, जनता के लिए नहीं लगाई गई है, जनता के लिए नहीं है, जनता परेशान होती है सिर्फ। बस ये पास फिर किस लिए है? ये पास अधिकारियों के लिए है सिर्फ, बस उनके लिए, हमारे लिए जनता के लिए। बाहर खड़े रहो बस, लाठी चार्ज बिल्कुल हुआ है।
दो दोस्तों आज चले गए, उन्होंने पास भर दिए अपने धक्का बुक्की में। वहीं अगली खबर औरैया से है, जहां पर एरवा कटरा में नाला की पुलिया के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को जानवरों नोच नोच कर खा रहे थे। वहीं पर जैसे ही यह खबर ग्रामीणों में फैली, ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। वहीं शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पुलिस ने मृतक की शिनाख्त जो है शुरू कर दी है। वहीं युवक की पहचान गांव के ही युवक के रूप में की गई है। मृतक रामकिशोर नशे का आदि बताया जा रहा था। हमारा भाई है छोटा। क्या नाम है? रामकिशोर। रामकिशोर, तो क्या कैसे ये घटना हुई, कैसे पता है? ये 17 तारीख को घर से गया था। तो इसकी सूचना पुलिस को दी थी आपने? थाने में इसकी सूचना दी थी। फिर आज कैसे आपको पता चला? ये सर्च के लिए कुछ लोग इधर आए होंगे, उनके जरिए हमको ये पता चला। बोलो। ये नशे का सेवन करता था। इतना दे, तो आपने इसको पहचान लिया, आपका भाई है? हाँ जी, हमने इसे पहचान लिया, हमारा भाई है। वही देवरिया में पुलिस लाइन प्रेक्षागृह में भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक श्रीपति मिश्रा द्वारा उपरोक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी गणों को अंगवस्त्र देकर व माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया गया है। वहीं उनको प्रशस्ति पत्र और उपहार भेंट करके भी उनके आगामी सुखमय जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सोनकर समेत पुलिस कार्यालय के सभी शाखाओं के अधिकारी और कर्मचारी भी वहां मौजूद रहे। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।